और एक आखिरी महत्वपूर्ण फैसला लिया गया गोवा राज्य के संबंध में। गोवा में अभी तक जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए अभी तक कोई रिजर्वेशन नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी समय समय पे कई सारे निर्णय लेते हैं, विशेषकर उन समाज के लिए जो वंचित रहे, पीड़ित रहे, समाज में अपना सही स्थान ग्रहण नहीं कर पाए। गोवा में एक ऐसी विशेष परिस्थिति थी कि सेंसस के आंकड़ों के जो जब डिलिमिटेशन हुआ था उसके कारण शेड्यूल्ड ट्राइब्स में संख्या बहुत कम होने के कारण गोवा में शेड्यूल्ड ट्राइब की कोई रिजर्वेशन नहीं थी। लेकिन उसके बाद नई ट्राइब्स को जोड़ा गया, कुनबी, गावड़ा और वेलिप, ये तीन नई शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सूची में जोड़ने के कारण अब गोवा की जो अनुमानित जनसंख्या में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जनसंख्या है वो काफी बड़े पैमाने में उसमें वृद्धि हुई है। ऐसा अनुमानित है कि अभी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन लगभग 1.5 लाख गोवा में हो गई है, परंतु उनकी कोई भी सीट रिजर्व नहीं है। उसको मद्देनजर रखते हुए आज केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि आगे चल के एक नया कानून लाया जाएगा संसद में, जो एम्पावर करेगा कि इलेक्शन सेंसस कमिश्नर जनसंख्या का जब आधार बनाए उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स गोवा में कितनी हैं उसका भी सेंसस कमिश्नर नोटिफाई करे क्या पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, और उसके आधार पर इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया जाएगा कि वो डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑर्डर 2008 में संशोधन करके गोवा में लेजिस्लेटिव असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी रिजर्वेशन का लाभ देने का काम करे, और इसके लिए जो भी रिवाइज पॉपुलेशन फिगर्स होंगे उसको मद्देनजर रखते हुए अनुसंधित कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 170 और 332 के तहत और सेक्शन 8 ऑफ द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत ये डिटरमिन करे कि कितनी सीटों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्व करना आवश्यक है।